रिलीज का एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, बहुत इजी है, दैट्स वेरी सिंपल। वो ये कहता है, आप सोचो कि कोई भी चीज है किसी के सरफेस पे कब जाके चिपकेगी, जरा सोचो, जब प्रेशर पड़े, चीज किसी पे कब चिपकती है, जब उस पे प्रेशर पड़ता है। तो मान लो कि एडसॉर्बेट है, ये एडसॉर्बेंट है, ये कब चिपकेगा, जब आप इस पे प्रेशर मारोगे तो चिपकने लगेगा। तो बस यही चीज रूडलिच ने कही। रूडलिच कहता है कि एडसॉर्बेट की एक्स मात्रा एडसॉर्बेंट के एम मास पर, ठीक है, चिपकने का जो रिलेटिव रेशियो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनफैक्ट प्रेशर टू द पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात उसने बोली थी। क्या इसके अंदर कहता है कि एडसॉर्बेट की कितनी मात्रा एडसॉर्बेंट के कितने मास पर जाके चिपकेगी वो डिपेंड करेगा आपने प्रेशर क्या लगाया, और उसकी भी पावर 1/n पे डिपेंड करेगा, और 1/n की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वैरी करती है, 0 से लेकर a तक वैरी करती है। इसी को फ्रूडलिच का आइसोथर्म कहते हैं। सबको समझ में आ गया। यहां पर उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए थे अलग अलग टेंपरेचर पे। टेंपरेचर जितना ज्यादा देखो, टेंपरेचर जितना कम रखोगे उतना ही x/m की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा। जैसे टेंपरेचर बढ़ाते जाओगे x/m की वैल्यू कम होती जा रही है। कहता है x/m प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, के सबको पता है बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं। सो x/m = k टू द पावर 1/n, दिस इज द एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रूडलिच का आइसोथर्म कहते हैं, अगर आपने यहां पर लॉग ले लिया, x/m = log of k plus log of 1/n log of p, ये वाला लॉग लोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। यहां पर x क्या है, मास ऑफ एडसॉर्बेंट, m क्या है, मास ऑफ एडसॉर्बेंट, k और n क्या है, कांस्टेंट है, p क्या है, प्रेशर है, n की 1/n की वैल्यू किससे कहां तक होती है, 0 से 1 तक।